Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 1st of March 2021. तो guys आज है तारीख 1 मार्च 2021 और है मंडे. देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर. द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे. बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर वहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप कर लेना दीपक यादव एजुकेशन, आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा. नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, मतलब इस चैनल का लिंक दे रखा है. जैसे ही आप लोग लिंक को क्लिक करोगे ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना. ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा आप लोग यहाँ पे डेली द हिंदू न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हो. ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में हैं तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना. नाउ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे. आज आप लोगों को मैप में जाकर देखना है आयरलैंड को. आयरलैंड की क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, कहाँ पे लोकेटेड है, अगर किसी से बाउंड्री शेयर करता है तो वो चीज़ है. ये सारी चीज़ें आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे. नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. ये है हमारा पेज नंबर 1 और पेज नंबर 1 पे आता है हमारा सबसे पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. बात करी गई है इसरो ने संडे में 19 सैटेलाइट को लॉन्च करा है. तो बात करेंगे इस 19 सैटेलाइट में से एक सैटेलाइट ब्राज़ील का भी था जिसका नाम है अमेजोनिया 1. तो इस आर्टिकल को हम लोग रिलेट कर सकते हैं अपने GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से भी, साथ ही साथ साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे हम बात करने वाले इस पिक्चर के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहली बात तो जो इसरो का ये लॉन्च है इस तरह का, यानी कि इसरो देखो ऐसा नहीं है कि अपनी सैटेलाइट ही लॉन्च करता है, ये हमेशा से है कि इसरो काफ़ी सारे कंट्रीज़ की सैटेलाइट भी लॉन्च करता है क्योंकि इसरो के पास ये इतनी बड़ी कैपेसिटी है. तो साल 2021 का जो मल्टीपल सैटेलाइट्स लॉन्च करी है इसरो ने वो पहली बार ऐसा हुआ है साल 2021 में, ठीक है. अब यहाँ पर 19 सैटेलाइट लॉन्च करी गई हैं, इसके अंदर ब्राज़ील की एक सैटेलाइट है जिसका नाम है अमेजोनिया 1. अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो ये अमेजोनिया 1 ये सैटेलाइट है, अब इसको बनाया किसने, इसको बनाया है ब्राज़ील ने, 100% पूरी तरह से ब्राज़ील ने इसको बनाया है, लेकिन लॉन्च करा गया है इसरो के द्वारा क्योंकि इसरो के पास ज़्यादा कैपेसिटी है अगर हम बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की, ठीक है. इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके. उसके बाद यहाँ पे मैंने बात करी 19 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जिसमें से एक तो ब्राज़ील की हो गई, फिर उसके बाद 13 सैटेलाइट जो कि डायरेक्टली USA की थी और 5 सैटेलाइट थी जो कि लॉन्च करी गई हैं सतीश धवन सैटेलाइट जो कि चेन्नई बेस्ड जो स्पेस के बच्चे थे वहाँ पर जो पढ़ते वगैरह हैं, जो स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई थी वो सैटेलाइट, तो वो 5 सैटेलाइट उनको भी लॉन्च करा गया है. अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा मिशन था ये हमारा 78वां मिशन था, 78th मिशन था जो कि लॉन्च करा गया श्री हरिकोटा से, ओके. और अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसरो ने अभी तक कितने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया है, अभी तक आप देख पाओगे 342 फॉरेन सैटेलाइट्स को, यानी विदेशियाँ जो विदेशी सैटेलाइट्स हैं उसमें 342 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च कराया गया है लगभग 34 कंट्रीज़ की, ओके. उसके बाद अगर हम बात करें जो अमेजोनिया 1 सैटेलाइट है जो कि अभी लॉन्च करी गई है, इसका मेन मकसद ये है कि जो अमेजन फॉरेस्ट है, ठीक है, ब्राज़ील के अंदर अमेजन फॉरेस्ट है आप लोगों को मालूम होगा, इसको हम लोग बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं क्योंकि ये अमेजन फॉरेस्ट बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, बहुत सारा ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है. तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए, पूरे ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए अमेजन फॉरेस्ट, ठीक है. तो इसके ऊपर ध्यान अच्छे से रखा जा सके और इसको हम लोग अच्छी तरीके से आप कह सकते हो लेकर चल सकें इस फॉरेस्ट को, क्योंकि ये फॉरेस्ट है तो आधे से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी भी है इस पृथ्वी के ऊपर, ठीक है. तो यहाँ पे बात करी जा रही है इसका मेन मकसद ये होने वाला है कि इसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी पूरे के पूरे अमेजन फॉरेस्ट के ऊपर. और दूसरी बात, अब यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया कुछ सैटेलाइट्स जो हैं, सतीश धवन सैटेलाइट को लॉन्च करा गया था. अब यहाँ पे जो सैटेलाइट्स हैं इसमें जो है PM मोदी का पिक्चर लगा हुआ था जो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है वो है भगवद गीता की कॉपी भी वहाँ पर लॉन्च करी गई है. उसके बाद यहाँ पे PM मोदी का क्यों यहाँ पे पिक्चर लॉन्च करा गया है, क्योंकि इन्होंने ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव चलाया है, साथ ही साथ स्पेस प्राइवेटाइजेशन भी किया है, ठीक है. तो बेसिकली अब यहाँ पर अगर हम बात करें ये सारी चीज़ें लॉन्च कैसे करी गई हैं, आप लोग देख पाओगे ये रॉकेट, ठीक है, ये आप देख पाओगे यहाँ पे इसके थ्रू ये सारी चीज़ें लॉन्च करी गई. ये है PSLV C-51. अब ये निकला है सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो कि श्री हरिकोटा के अंदर है, ठीक है. ज़्यादातर हम लोग मिसाइल्स वगैरह अपनी वहीं से लॉन्च करते हैं, ओके. नाउ PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
ओके तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आर्टिकल का डिस्कशन, ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल और दे रखा है। देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया इसरो ने ब्राज़ील की सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो कहीं ना कहीं जो इनके रिलेशंस हैं वो भी आपस में काफ़ी इंप्रूव होते हुए नज़र आएंगे। अब देखो हुआ क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पास्ट वगैरह बताता हूँ इसका। ब्राज़ील जो है पहले चाइना के साथ कोऑपरेशन में रहता था, पहले चाइना से उसने सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाया था, लेकिन क्या हुआ वहाँ से फेल हो गया। वहाँ पे दो सैटेलाइट तो चलो सक्सेसफुली चाइना ने लॉन्च भी करी है, लेकिन चाइना ने इस तरीके से बनवाई सैटेलाइट ब्राज़ील से कि चाइना ने बोला कि हम लोग इस तरीके से डेवलप करवाएंगे कि ब्राज़ील को कुछ मालूम ना चले, ठीक है, ब्राज़ील को कुछ भी हमारी टेक्निक्स वगैरह नहीं मालूम चले। तो इस तरीके की बातचीत हो रही थी। तो और फिर जो तीसरा मिशन हुआ ना जो ब्राज़ील और चाइना ने मिलकर करवाया, वो तीसरा मिशन ही पूरी तरह से फेल हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्राज़ील वहाँ से पूरी तरह से हट गया, क्योंकि ब्राज़ील को हो गया है मिलियंस ऑफ रुपीज़ का लॉस, ठीक है, मिलियंस ऑफ रुपीज़ नहीं कह सकते, जो भी वहाँ करेंसी है, मिलियंस का लॉस हो चुका था। तो ब्राज़ील ने क्या करा, ये टर्न हो गया इसरो की तरफ, इंडिया की तरफ आ गया और बोला कि हम लोग इधर से सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाएंगे। और फिर उसके बाद इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के साइंटिस्ट ब्राज़ील जाकर ब्राज़ील के साइंटिस्ट को सिखाया भी था किस तरीके से सैटेलाइट्स को डेवलप करा जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ फिर ब्राज़ील की सैटेलाइट को सक्सेसफुली हम लोगों ने लॉन्च भी किया है। तो फिर यहाँ पे एक दूसरे के रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन और बढ़ते हुए हम लोगों को नज़र आने वाले हैं, आप इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, यहाँ पे हो गया ये हमारा आर्टिकल ख़त्म। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, यहाँ पे बात करी गई है म्यांमार के बारे में। तो अभी सभी लोगों को मालूम है म्यांमार के अंदर काफ़ी तगड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर आ चुका है मिलिट्री कू। मिलिट्री कू हम लोग बोलते हैं यानी कि जो वहाँ की मिलिट्री है उसने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, वहाँ की जो डेमोक्रेसी थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ पर पहले डेमोक्रेसी हुआ करती थी, एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी जिसको जनता ने चुना था, लेकिन वहाँ पे मिलिट्री ने क्या करा, भाई कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, अब सब जो कंट्रोल होगा वो मिलिट्री के हाथ में होगा। अब इस चीज़ को देखते हुए जो म्यांमार के लोग हैं वो सब बाहर निकल कर आ गए सड़कों पर कि प्रोटेस्ट करने लगे कि ऐसा नहीं होगा, हम लोग को वापस से अपनी पहले वाली पॉलिटिकल पार्टी चाहिए और पहले वाली लीडर चाहिए, ठीक है। और वो लीडर कौन थी पहले वाली पॉलिटिकल पार्टी की, ऑंग सुन सुई की, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली डिमांड है वहाँ लोगों की, तो फिर लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे आप देख पाओगे ये जो प्रोटेस्ट है ये राइट के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये यहाँ पर भी दंगे हो गए, पुलिस से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे 18 लोगों की यहाँ पे जान चली गई है इस म्यांमार प्रोटेस्ट के अंदर, और 30 लोग अभी भी घायल हैं, और 1000 लोगों को अंदर बंद कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई ऑंग सुन सुई की को लाया जाए जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट था पहले, ठीक है, हमें मिलिट्री रूल नहीं चाहिए। ये था कंप्लीट म्यांमार के बारे में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नीचे एक आर्टिकल आप लोगों को देख पाओगे, यूएस ने रजामंदी दे दी है जे वन शॉट कोविड-19 जैब के लिए। अब ये जे वन शॉट क्या है, जे एक है जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, अब इन्होंने एक वैक्सीन लेकर आ रहा है, यानी यूएसए एक अपनी एक और नई वैक्सीन के साथ तैयार हो चुका है, थर्ड वैक्सीन आ चुकी है जो कि कोविड-19 से लड़ेगी, और वो है बनाई है जॉनसन्स एंड जॉनसन्स ने। और अगर हम बात करें तो ये वन डोज वैक्सीन है, अभी तक कौन सी वैक्सीन हुआ करती थी, हर एक वैक्सीन में दो डोज चाहिए होते थे, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, तभी जाके आप कोविड से लड़ पाओगे। लेकिन इस वाले के अंदर क्या है, ये वैक्सीन एक ही डोज में आपका काम हो जाएगा, अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर टैकल कर पाओगे। और बोला ये जा रहा है कि इस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस वो है 85% तक, आप लोगों को ये प्रोटेक्ट करेगा काफ़ी सारी बीमारियों से। ओके, उसके बाद बराबर में आप आर्टिकल देखोगे तो इसके बारे में हम पिछले 3-4 दिन से डिस्कशन कर रहे हैं कि 1 मार्च से वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा किन लोगों के लिए, जिनकी उम्र है 60 साल, ठीक है, तो 60 साल की जिनकी उम्र है 45+ हैं तो उन सब के लिए यहाँ पे वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली आज आ चुकी है 1 मार्च, तो अब यहाँ पर हम लोग आज से वैक्सीनेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो नया महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग भी अपनी स्ट्रेटजीज़ वगैरह बना लेना कि मुझे इस महीने में क्या क्या पढ़ना है, जैसे मैंने मॉर्निंग के वीडियो में बताया था कि अपनी स्ट्रेटजीज़ बना लो आज से ही, मतलब आज पहली तारीख है तो लेके भाई 1 घंटे बैठ जाना, इस महीने में मुझे इस वीक में ये किताबें ख़त्म करनी हैं, इतना इतना कोर्स निपटाना है, ठीक है, और उसके ऊपर ये काम करते रहना, ऐसा नहीं है कि हाँ बना के छोड़ दिया। तो अपनी स्ट्रेटजी क्या क्या है शेयर ज़रूर करना नीचे कॉमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे, नाउ आते हैं पेज नंबर 8 पर, वही सारे आर्टिकल का डिस्कशन करा गया है जो हमने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया है। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, इसरो ने अभी ब्राज़ील की सैटेलाइट को लॉन्च किया है, साथ ही साथ और भी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है उसके बारे में बताया गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे रिलेशंस के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया, म्यांमार के अंदर क्या चल रहा है ये भी, और साथ ही साथ यूएसए तैयार हो चुका है अपनी एक तीसरी वैक्सीन के साथ। नाउ इसी पेज पर एक और आर्टिकल आता है ये वाला, यहाँ पर बात करी गई है जो सीएसआईआर है। सीएसआईआर क्या है,
ये है काउंसिल फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये बोला जा रहा है जो कोवैक्सीन है जिस जो कि हम इंडिया में अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि कोविड 19 से लड़ने में पूरी तरह से मदद कर रही है। तो इस कोवैक्सीन को बनाने के पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल है CSIR का, साथ ही साथ आप देखोगे IICT का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये है एक काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका बहुत बड़ा रोल है इस डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन के पीछे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, इसको इंडिजीनियसली हमने खुद ही जो है इस वैक्सीन को बनाया है। और कौन सी कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया, ये है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। बेसिकली इंडिया के अंदर अभी दो वैक्सीन चल रही है, एक है कोवैक्सीन, दूसरी है कोविशील्ड, जिसकी हेल्प से हम लोग कोविड 19 से लड़ रहे हैं। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट आर्टिकल कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बोला क्या जा रहा है आर्टिकल के अंदर। तो एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है गुलाम नबी आज़ाद, ये कौन है, ये एक सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। इन्होंने संडे में तारीफ़ करी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, आप कह सकते हो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये बोला गया इन्होंने जो अपना पास्ट है, जो भूतकाल है, वो कुछ भी नहीं छुपाया, जो भी चीज़ें थी बिल्कुल साफ साफ रखी है। छोटी सी जॉब करते थे, चाय बेचते थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इनके द्वारा बताई गई हैं। आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने बताना ज़्यादा डीपली नहीं समझा, एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। नाउ उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे एक नेक्स्ट आर्टिकल देखने को यहाँ पर मिलेगा, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये बोला जा रहा है वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम करा जाएगा, वाटर को एक तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे किस तरीके से, या फिर उसके ऊपर सोचेंगे उसको रिस्टोर कैसे करेंगे, ठीक है, पानी का सही से यूज़ हो, उन चीज़ों के ऊपर काम करने की बात करी जा रही है। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने संडे में ये सारी बातें बोली हैं कि हमें ज़रूरत है आज के टाइम पर कि हम लोग वाटर का कंजर्वेशन करें, और ये सारी चीज़ अपनाई जाएंगी, और उसी के लिए एक कैंपेन को लॉन्च करा जा रहा है, 100 डे कैच द रेन, यानी कि 100 दिन तक बारिश को पकड़ा जाएगा, मतलब जो बारिश का पानी हो उसको स्टोर करा जाएगा, ठीक है। इस तरीके का कैंपेन हम लोग चलाने वाले हैं ताकि हम वाटर को कंजर्वेट कर सकें और वाटर को थोड़ा सा हम लोग सेव कर सकें। साथ ही साथ आप देखोगे जो मोदी जी हैं, इन्होंने अपना जो मंथली रेडियो होता है, सभी लोगों को मालूम है मन की बात वाला, तो उसके अंदर भी बताया था कि हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी बन चुकी है वाटर को कंजर्वेट करने की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वही और कुछ यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, जो था मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, और आप इसको स्किप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। नाउ आते हैं पेज नंबर 10 की तरफ, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला आर्टिकल बात करी गई है अगेन वैक्सीनेशन के बारे में। तो जो कोविड 19 का वैक्सीनेशन का फेज़ 2 है वो स्टार्ट होगा आज से, और ये कोविड 19 के केसेस जो हैं बहुत सारे राज्यों में लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख पाओगे ये चौथा दिन है, लगातार 16,000 इन्फेक्शन जो हैं वो निकलते हुए आ रहे हैं। जो 6 स्टेट हैं वो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, इन्हीं सब स्टेट्स के अंदर केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ओके, फिलहाल यहाँ पे बात यह है कि हम लोग फेज़ 2 भी स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कोविड 19 की वैक्सीनेशन का जो फेज़ 2 था हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं आज से। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है इंडिया चाइना के बारे में, बात करी गई है कि हम लोगों को ज़रूरत है कि इंडिया चाइना के जो ट्रेड टाइज हैं, जो व्यापार हैं, उनको वापस से रीसेट करा जाए, देखा जाए कहाँ पर ये सिचुएशन स्टैंड करता है, क्योंकि अभी तो हमारे रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे पिछले एक साल से, अभी पिछले कुछ दिन से थोड़े बहुत मेंटेन हुए हैं, क्योंकि हमने जो स्टैंड ऑफ चल रहा था एक साल से वहाँ पर डिसएंगेजमेंट होते हुए देखा है। तो ये सारी बातें बोली गई हैं हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा, जिनका नाम है HV श्रृंगला, यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी पिक्चर। अब अगर हम बात करें तो इनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो है इंडिया और चाइना को मिलकर काम करना है अपने ट्रेड के टाइज के ऊपर, व्यापार को लेकर अब दोबारा से यहाँ पर स्टेप उठाना है, क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक चल रहा था स्टैंड ऑफ, ठीक है, अब वो स्टैंड ऑफ हो चुका है, डिसएंगेजमेंट में बदलाव, यानी कि जो बॉर्डर पे सोल्जर्स खड़े थे लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है, चाइना के और साथ ही साथ इंडिया के, तो वो अब सोल्जर्स अब वापस से पीछे हट चुके हैं, वहाँ पे डिसएंगेजमेंट देखने को मिला है। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना बायलेटरल जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और ट्रेड की तरफ, व्यापार की तरफ हम लोगों को थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ US के साथ की व्यापार के बारे में बात करिए, तो US के साथ तो हम लोग चल ही रहे हैं सही, US के साथ रिलेशन हमारे हैं अच्छे, ठीक है। हम लोग बेसिकली किस किस चीज़ को लेकर मुद्दा उठाते हैं US के साथ, वो है क्लाइमेट चेंज को लेकर या फिर टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि हम US से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कर पाएँ, और वाकई में करते भी हैं, ठीक है। आप जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप देखोगे आप मोबाइल फ़ोन्स हो गए या फिर लैपटॉप्स हो गए, उनके अंदर लैपटॉप के अंदर माइक्रोसॉफ्ट आप चला रहे हो या फिर मोबाइल फ़ोन का एंड्रॉयड चला रहे हो, तो ये सब जो है USA का है, तो काफ़ी हद तक हम लोग USA की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं,
नाउ उसको आता है नेक्स्ट आर्टिकल, बात करी गई है सूर्य किरण सरंग टीम के बारे में। सूर्य किरण सरंग टीम, अब यहाँ पे कोलंबो स्काइज यहाँ पे क्या है इसका मतलब मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। देखो हुआ हो क्या रहा है, यहाँ पर एक इवेंट हो रहा है, और वो इवेंट क्या है यहाँ पे आप देख पाओगे, 70वीं एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होने वाला है श्रीलंकन एयरफोर्स का। ठीक है, श्रीलंकन एयरफोर्स का 70वीं एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग 3 मार्च से 5 मार्च तक, तो उसी के लिए तैयारियाँ हो रही हैं। और वो है क्या, 23 एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन एयरफोर्स से साथ ही साथ नेवी से पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस डिस्प्ले में। तो एक पूरा का पूरा शो टाइप का कंडक्ट करवाया जाएगा जिसके अंदर हमारे एयरक्राफ्ट्स वगैरह भी जाएंगे। तो अगर हम बात करें सूर्य किरण एरोबेटिक टीम SKAT जिसको हम लोग बोलते हैं, साथ ही साथ सरंग हेलीकॉप्टर, ठीक है, जो सरंग हेलीकॉप्टर है या फिर सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है, ये सब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ, ठीक है, जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं और इंडियन एयरफोर्स, ये सब लोग जाने वाले हैं और यहाँ पे एक तरीके से शो कंडक्ट होगा, ये परफॉर्म करेंगे, एक एयर शो होगा कोलंबो के अंदर 3 मार्च से 5 मार्च तक, जिसके लिए हम लोग ये सब काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 70वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे श्रीलंकन एयरफोर्स की, दैट इज़ वाई यहाँ पे इंडिया उसके लिए तैयारी कर रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरीके की परफॉर्मेंस होने वाली है इंडिया के द्वारा, ठीक है, वो भी आउटसाइड द इंडिया, इंडिया से बाहर पहली बार जो है भारतीय परफॉर्मेंस करने वाला है। ओके, उसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 की तरफ, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, पेज नंबर 11 और 12 हम लोगों को नहीं कवर करने हैं, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ। फिर उसके बाद आज मंडे है, तो मंडे में हमारा इकोनॉमी वाला जो बिजनेस सेक्शन वाला पेज होता है वो आता नहीं है, यहाँ पे मनी वाइज वाला पेपर आता है, तो आपको ये नहीं पढ़ना। पेज नंबर 14 की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बात करी गई है वर्ल्ड पेज की, ठीक है, देखेंगे दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आप ये वाला आर्टिकल देखोगे जिसके बेसिस पे हमने आज का थंबनेल भी बनाया है, थंबनेल के अंदर यही वाला पिक्चर का इस्तेमाल किया गया है। तो बात करी गई है जो चाइना का पार्लियामेंट है, टू मूल एक्सपेंडेड बॉर्डर ड्रोन यूज़। अब यहाँ पर बात ये करी जा रही है, देखो चाइना क्या कह रहा है कि हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, कौन से वाले रीजन में, जहाँ पर अभी से ये लोग निकल के गए हैं, जहाँ पे स्टैंड ऑफ चल रहा था गलवान वाले वैली में, तो गलवान वाले रीजन में हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे चाइना ने ये चीज़ें बोली हैं, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे चाइना ने एक प्रपोजल रखा है कि भाई जो बॉर्डर का ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, ड्रोन क्या होते हैं आप लोग देख पाओगे ये हैं, ठीक है, हमारे थंबनेल में गायब हो गया क्योंकि हमने द हिंदू का लेवल लगाया है ऊपर, तो ड्रोन होता है ये जो कि निगरानी रखते हैं पूरी तरह से एरिया में। तो चाइना की डिमांड है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर, गलवान वाले रीजन में, तो बेसिकली यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया। तो आप देख पाओगे जो एनुअल कन्वीनिंग चाइना की नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जिसको हम लोग NPC बोलते हैं या फिर पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है, उसका, तो 5 मार्च को ये इसकी सुनवाई करेगा कि जो भी यहाँ पे चाइनीज़ ने प्रपोजल रखा है अपना कि हम लोग क्या करेंगे, ड्रोन्स का ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कौन से एरिया में आप देख पाओगे, जहाँ पर अभी क्लैश हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, जो भी गलवान वाला एरिया है वहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला है। तो इसके लिए अभी देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, अभी यहाँ पे 5 तारीख को फ़िलहाल इसकी सुनवाई होने वाली है, ठीक है। चलो यहाँ पे वो आर्टिकल हमारा ख़त्म, और अभी आप लोगों को मालूम है PLA जो है अभी अनाउंसमेंट हुआ था पीपल लिबरेशन आर्मी का, क्या अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई अब इंडिया और चाइना की जितने भी स्टैंड ऑफ चल रहे हैं उसमें डिसइंगेजमेंट होगा, चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो अपने घर वापस, इंडिया के सोल्जर्स अपनी तरफ वापस, अब कोई यहाँ पर जो झड़प नहीं देखने को मिलेगी, शांति के साथ ये लोग पीछे हट चुके हैं, ठीक है, आ जाओ आगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल की, ये वाला आर्टिकल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बात करी गई है गोल्डन ग्लोब्स, ये लॉन्च करने वाले हैं अवार्ड सीजन, अब इसके अंदर जो है ऑस्कर की बारी आ रही है, और ऑस्कर देने के लिए एक पिक्चर रेडी है टॉप प्राइस के अंदर, वो है द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7, ठीक है, तो ये रेडी है, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग आगे अगर कुछ होता है तो। नाउ अब चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, पहले हम लोग अपने जो सैटरडे वाले एडिटोरियल हैं उनका रिविजन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने आज के एडिटोरियल को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। तो यार पहले हम लोग अपने सैटरडे वाले का जो एडिटोरियल है उनका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि एडिटोरियल का रिवीजन करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आर्टिकल ये हमने उसी दिन अच्छे से कवर कर लिया था, बात करी गई थी इंडिया और US के रिलेशनशिप के बारे में। तो अगर हम बात करें आज के टाइम पर इंडिया US के रिलेशनशिप, पहले डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर सही थे, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अब जो है US का प्रेसिडेंट बदल चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है रिलेशनशिप के अंदर भी थोड़े बहुत हम लोग को चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया।
नाउ अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, डोनाल्ड ट्रंप ने तो बुरी तरह से आप कह सकते हो सारी चीज़ें फैला डाली थी, जैसे कि यूएस को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकाल दिया था, डब्ल्यूएचओ ऑर्गेनाइजेशन को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको पैसे देने से मना कर दिया था, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है उससे बाहर आ गए थे, ठीक है, और साथ ही साथ जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं, जो वीज़ा हैं वो भी बैन कर दिए थे सभी जगह पर। तो जब जो बाइडन आए हैं प्रेसिडेंट बनकर, तो जो बाइडन ने अपना पहला महीने तो पूरी तरह से इसी के अंदर निकाल दिया कि मुझे इन सब चीज़ों के अंदर वापस से जाना है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो करा है उन चीज़ों को वापस से रिव्यू करना है, तो उसी में ही उनका पहला महीना निकल गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रंप ने एक अच्छा काम ये किया, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग को लेकर काफ़ी अच्छे से बढ़े हैं। क्वाड्रिलेटरल ग्रुप कौन सा है जिसके अंदर चार मेजर कंट्रीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं, इंडिया है और यूएसए है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, बेसिकली ये मिलकर काम करती हैं इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, तो उसी के लेकर बात करी गई है। ट्रंप के द्वारा ये बहुत अच्छा स्टेप था और ट्रंप ने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट भी किया है इसको। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, अभी एक मीटिंग भी हुई है जिसमें हमारे आप कह सकते हो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे एस जयशंकर प्रसाद, साथ ही साथ यूएस के सेक्रेटरी थे एंथोनी जे ब्लिंकन, तो आपस में सबके मीटिंग हुई है उस चीज़ को लेकर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बाइडन अभी से ही तय कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर, जो क्लाइमेट चेंज बाइडन के जो क्लाइमेट चेंज एनवॉय हैं जिनका नाम है जॉन कैरी, ठीक है, ये भी एक डिस्कशन में बैठे हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ, और डिस्कशन करा जा रहा है किस तरीके से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी और एमिशन की तरफ काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी 22 अप्रैल को अर्थ डे समिट मनाया जाएगा, तो उसके बेसिस पे काम कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, एमिशंस जो हैं उनको कंट्रोल कर लें, ठीक है। क्या है कि भाई हम लोग आज के टाइम पर पोल्यूशन वगैरह भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करा जाए उसके बारे में डिस्कशन करा गया। नाउ अगर हम बात करें जो बाइडन है उनके भी काफ़ी सारा आप कह सकते हो जो बाइडन का जो हम लोग आप कह सकते हो हमारे प्रति कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वहाँ पर जो पसंद नहीं आती जो बाइडन को, वो क्या क्या है, जैसे आज के टाइम पर हमारे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है वो यहाँ पर जो बाइडन काफ़ी हद तक चिढ़े हुए हैं इस चीज़ से, साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर वाला जो इशू है तो इन चीज़ों के अगेंस्ट हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट चले जाते हैं जो बाइडन, वो यहाँ पर बात करी गई। उसके बाद बात करी गई है चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में, इंडिया यूएसए के रिलेशन हमने पढ़ लिए, उसके बाद इंडिया चाइना के बारे में बात करी जाए तो अभी के अभी हम लोगों ने देखा है एलएसी पर पिछले लगभग एक साल से लगातार स्टैंड ऑफ जारी था, डिस्प्यूट जारी थे, लेकिन अब यहाँ पर फाइनली हम लोगों ने स्टेप उठाया है और उस वहाँ पर डिसएंगेजमेंट देखने को मिला है और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे अभी यहाँ पे हम लोगों ने डिसएंगेजमेंट देखने को मिला है आपस में दोनों के बीच में, और जो है पीसफुली शांति मनाने की कोशिश करी है हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया और रशिया से रिलेशन के बारे में बात करी गई है। अगर हम बात करें आज के टाइम पर, अगर हमारे रिलेशन देखो इंडिया यूएसए, मैं यहाँ पर अमेरिका लिख देता हूँ, इंडिया अमेरिका चाइना, ठीक है, और साथ ही साथ एक रशिया ऐड कर लो। अब जो अमेरिका है इसके रिलेशन आज के टाइम पर जो बाइडन चाइना के अगेंस्ट नहीं है इतने, जो बाइडन जो है अगेंस्ट है किसके, रशिया के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट हैं, लेकिन इंडिया और रशिया के आपस में रिलेशन अच्छे हैं, क्योंकि इंडिया जो है रशिया से काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करता है, जैसे कि आप लोग देख पाओगे S-400 मिसाइल सिस्टम, तो इसके प्रति क्या हो सकता है ना, ये चीज़ें जो बाइडन को पसंद ना आए वो हमारे इंडिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ रिलेशंस इंटरनेशनली क्या चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया ऑथर के द्वारा। उसके बाद ये वाला आर्टिकल अच्छे से पढ़ना, क्योंकि सैटरडे में जो ये आर्टिकल आया था इसी के बेसिस पे आज भी हमारा जो मंडे का एक आर्टिकल है साइंस इंडिया के बारे में ही है, तो इसके बारे में हम यहीं पे इस आर्टिकल को ख़त्म कर लेंगे, तो हम लोग वहाँ पर जाके जो आज वाला आर्टिकल है उसको हम सही से आप कह सकते हो एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। ये भी मैंने कल ही सैटरडे वाले दिन ही आपको अच्छे से कवर करवा दिया था। बात करी गई है साइंस इंडिया के बारे में, तो ये आर्टिकल क्यों पब्लिश हुआ है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, आप लोग याद रखना। अब इसको देखते हुए यहाँ पे जो ऑथर हैं इनके द्वारा बताया गया एक बहुत ही अच्छी बात, एक गुड न्यूज़ क्या है यहाँ पर, गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया ने अपने आप कह सकते हो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को पब्लिश किया है, लगभग यहाँ पे बताया गया 1,35,788 आर्टिकल्स को पब्लिश करा गया है इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा साल 2018 के अंदर। तो बात करी जा रही है, बहुत ही अच्छा स्टेप है, काफ़ी आगे था, लेकिन अभी टॉप पर जो है वो है यूएसए है, चाइना है, फिर उसके बाद आता है इंडिया, ये तीनों ही मिलकर काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोगों को अपने साइंस और टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। वो क्या क्या वर्क करने की ज़रूरत है मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया इंडिया ने अपने रिसर्च पेपर्स तो पब्लिश कर ही करें, लेकिन साथ में पेटेंट राइट के बारे में अगर हम बात करें,
जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, पेटेंट लिया जाता है। पेटेंट कौन लेता है? अपने कॉपीराइट्स के लिए। मान लो मैंने कोई नई चीज़, कोई ऐसी चीज़ बना दी कि कोई और नहीं बना सकता, ठीक है, मैंने एक नया इनोवेशन किया है, तो उस पर क्या होगा, मैं अपना पेटेंट राइट ले लूँगा कि उस चीज़ को कॉपी करने का सिर्फ मेरा ही हक है, कोई और उसको कॉपी ना कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इस तरीके की जो चीज़ें हैं इंडिया ने बहुत कम पब्लिश करी हैं। अगर हम बात करें, इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 253 पेटेंट राइट को फाइल किया है, मतलब बहुत कम। और जबकि चाइना को देखें तो चाइना ने 58,990 एप्लीकेशंस को फाइल किया है, और यूएसए ने भी यहाँ पर 57,840 एप्लीकेशंस को फाइल किया है। मतलब कि इन दोनों ने मिलकर ज़्यादा आविष्कार किए हैं, ज़्यादा नई नई चीज़ें डेवलप करी हैं एज़ कम्पेयर टू द इंडिया। इंडिया ने कम पेटेंट को फाइल किया है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमारे भारत के अंदर काफ़ी सारे, आप कह सकते हो, पॉलिसीज़ लाई गई थी, तो उसके बारे में बताया गया कि इंडिया को थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो साइंस और इनोवेशंस वाला एरिया है उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा हम लोगों को। कहाँ कहाँ पर हम लोग वर्क करेंगे वो मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, भारत अपनी चार साइंस की पॉलिसी लेकर आया था, तो उसके अंदर से आप कह सकते हो जो पहली पॉलिसी थी, ये आप देख पाओगे, पहली साइंस की पॉलिसी अडॉप्ट करी थी हम लोगों ने साल 1958 में, 1958 के अंदर। उसका मकसद ये था कि हम लोग क्या कर सकें, डेवलप कर सकें साइंटिफिक एंटरप्राइज़ को, साथ ही साथ जो साइंस, आप कह सकते हो साइंस वाले नेचर में हम लोग साइंस वाले फील्ड के अंदर डेवलप कर सकें और ज़्यादा ग्रो कर सकें। फिर उसके बाद दूसरी, आप कह सकते हो दूसरी पॉलिसी भी लाई गई इसके द्वारा, दूसरी पॉलिसी लाई गई थी 1983 में। इसमें भी हमारा ये मकसद था कि हम लोग अपने जो है जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजी हैं उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकें, यानी कि साइंस की फील्ड में हमेशा हम लोग डेवलप करते रहें। उसके बेसिस पे एक हमारी चार पॉलिसी लेकर आई गई थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसीज थी ये, और उसके बेसिस पे बताया गया इंडिया काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था, काफ़ी अच्छे तक ग्रो किया है। लेकिन अगर हम आज के टाइम पर देखें तो कोई कोई से ऐसे एरिया है जहां पर इंडिया पीछे रह जाता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को अपनी जो आप कह सकते हो खर्चा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले एरिया में, वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा अपने जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर के द्वारा ये बोला गया है। उसके बाद ये बोला गया है आज के टाइम पे हम लोग कितना अपने जीडीपी का 0.6% खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर और कंट्रीज़ के डेटा देखोगे तो यूएसए हो गया, चाइना हो गया, लगभग इसराइल हो गया, ये लोग बहुत ही ज़्यादा खर्च करते हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया में, तभी वो लोग जो है साइंस एंड टेक के एरिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम लोग साइंस एंड टेक में कहाँ कहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप देखोगे, ये भी हमने उसी दिन पढ़ लिया था, बात करी गई सेडिशन लॉ के बारे में। आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ज़्यादा हम इसके अंदर नहीं घुस रहे, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी हम लोगों को आज के एडिटोरियल भी डिस्कस करना है। तो बेसिकली यहाँ पर बात करी गई है, अभी आप लोगों को मालूम है रिसेंटली हमारे कंट्री में एक केस देखने को मिला, 22 साल की जो एक लड़की थी जिसका नाम है दिशा रावी, उसको अरेस्ट करा गया टूल किट केस के अंडर में, ठीक है। मैंने काफ़ी बार समझा रखा है टूल किट केस वाला। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है सेडिशन लॉ का हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह, देशद्रोह का चार्ज लगा देते हैं किसी के ऊपर भी। अगर मान लो कहीं प्रदर्शन चल रहा है तो सरकार क्या करती है, उसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा देती है, उसको अंदर करने के लिए, उसको गिराने के लिए, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो बार बार मिसयूज़ होते हुए देखते हैं हम लोग सेडिशन लॉ का। इस चीज़ को हम लोग के ऊपर काम करना पड़ेगा, सरकार को इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग बात बात पर सेडिशन लॉ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। चलो अब आज के टाइम का एडिटोरियल देखते हैं आज के दिन के। नाउ ये है हमारे आज के एडिटोरियल। देखो यहाँ पर तीन आर्टिकल सेम हैं, ये वाला आर्टिकल तो बिल्कुल सेम है। किस चीज़ के ऊपर है कि अभी हमारी सरकार क्या है, एक रूल लेकर आई है। कौन सा रूल लेकर आई है आप लोगों को मालूम होगा, जिससे हम लोग सोशल मीडिया हो गए या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए उनको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। सिंपल भाषा में बोले तो इसके ऊपर आप कह सकते हो हम लोग काफ़ी सारे कंटेंट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो कौन सा रूल लेकर आई है सरकार, उसका नाम आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वो है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इंटरमीडियरीज यानी सोशल मीडिया को ही बोला गया है। तो कैसे हम लोग सोशल मीडिया को रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे सरकार वहाँ पे कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑथर के द्वारा बोला गया जो सरकार है वो यहाँ पर सही नहीं कर रही है। एक तो हम लोग मॉनिटर करने के चक्कर में प्रीडेटर बन रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से हम लोग चीज़ों को कंट्रोल करेंगे पूरी तरह से। लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोग जब बोलने का हक है सोशल मीडिया पर, जो लोग बोल देते हैं उस चीज़ को कंट्रोल करा जाएगा, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी जो है सप्रेस करने की कोशिश करी जाएगी। तो गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से आप प्रीडेटरी रूल लेकर आ रही है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। अब यहाँ पर मैं आपको इस लॉ के बारे में
बता देता हूँ लॉ का मकसद क्या है। अब ये जो रूल लाया गया है इसमें क्या होगा, देखो ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई है, मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बोला गया है। देखो जो हमारे सोशल मीडिया आज के टाइम पर आप देख पाओगे, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए जो कि अमेजोन वाले हो गया, अमेजोन प्राइम वीडियो हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, और भी ऐसे हमारे और भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। OTT की फुल फॉर्म क्या होती है, ओवर द टॉप। अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट ऐसा देखने को मिलता है जो कि फेक न्यूज़ फैलती हुई हम लोगों को नज़र आती है, साथ ही साथ और भी अगर कंट्री के अंदर सिचुएशन फैल जाती है कंट्री के अंदर, जैसे मान लो अभी हम लोगों ने 26 जनवरी को एक प्रोटेस्ट देखने को मिला था जो कि आप कह सकते हो हिंसा में कन्वर्ट हो गया था, तो उसके प्रति बहुत सारा आप लोग देख पाओगे सोशल मीडिया पर चीज़ें ट्रेंड हो रही थी, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है सोशल मीडिया पे, ठीक है। उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म्स पे आप बहुत सारा सेक्सुअल कंटेंट देखने को मिल जाता है, तो इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए सरकार ये रूल लेकर आई है। अब यहाँ पे उनका मकसद ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो भी अगर वहाँ पर फेक न्यूज़ फैलाएगा उसको पकड़ो सबसे पहले, उसका अकाउंट बैन करो, और वो फेक न्यूज़ कहाँ से निकल कर आ रही है, ओरिजिन कहाँ से हुई है, किसने सबसे पहले इसको शेयर किया है, उसको पकड़ने का यहाँ पे काम करने वाले हैं हम लोग। और उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए अगर हम बात करें तो इस पे काफ़ी सारा सेक्सुअल कंटेंट दिखाया जाता है, उसको रेगुलेट करेंगे। और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए हम लोग कुछ कंडीशंस हमने डाल दिए हैं, जैसे कि UA 7+, यानी अगर 7 साल के बच्चे हैं तो उनके लिए अलग कंटेंट होगा, 7 साल से उम्र जिनकी 7 साल की उम्र से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, या फिर 13 साल से ज़्यादा की उम्र है उनकी, 18 साल से ज़्यादा की उम्र है, या फिर एक होता है कि हाँ भाई सभी लोग देख सकते हैं ऐसा कंटेंट, तो आपको कंटेंट को डिवाइड करना पड़ेगा OTT प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि जो है चीज़ों को अच्छी तरीके से रेगुलेट करा जा सके, क्योंकि आज के टाइम पर पोर्नोग्राफी बहुत ज्यादा चलती हुई नजर आ रही है, और जो है इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये लेकर आ चुके हैं ये रूल। ओके, उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ग्रीवेंस ऑफिसर को भी हायर करेंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को सोशल मीडिया पे कोई भी फेक न्यूज़ या फिर कोई भी ऐसा सेक्सुअल कंटेंट चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली ग्रीवेंस ऑफिसर को कॉन्टैक्ट करोगे, बताओगे ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर ट्रेंड कर रही हैं, तो फिर जाकर वहाँ से वो चीज़ें हटाई जाएंगी, और सबसे पहले जिसने भी ओरिजिन किया है, जहाँ से भी शुरू हुआ है, उसको पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पर जैसा देख पाओगे आप, बिल्कुल सेम आर्टिकल यही है, यहाँ पर भी वही चीज़ बात गई है, मोर अबाउट बिग गवर्नमेंट देन बिग टैग, यानी कि सरकार जो है अपने हाथ में पूरी तरह से कंट्रोल ला रही है, जो कि आज के टाइम पर सही नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरकार ट्राई ये कर रही है जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनको गिरा दिया जाए एक तरीके से, ठीक है, पूरी तरह से अपने हाथ में कंट्रोल ले लेना, तो यहाँ पे ये एक बात सही नहीं है यहाँ पर बोला जा रहा है ऑथर के द्वारा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो आप पहले ये चीज़ समझो कि जो ये रूल लेकर आया गया है इसका कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, अचानक से रूल ला के पटक दिया, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट वाला जो फार्म लॉज लाए गए थे, फार्म लॉज भी बिना डिस्कशन से लाए गए थे, तो ऐसे यहाँ पर इसका भी कोई डिस्कशन वगैरह नहीं हुआ, अचानक से सारे रूल्स ले आए गए, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, पहले इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से कंसल्ट होना चाहिए था, आपस में डिस्कशन होना चाहिए था, देन उसके बाद ये रूल लेकर आना चाहिए था, ये बताया गया। और अगर ये रूल लेकर आया भी गया है, तो अगर मान लो सोशल मीडिया पे कोई हकीकत बात कर रहा है सरकार के खिलाफ, कोई सही आवाज़ उठा रहा है, तो फिर क्या करेगी सरकार, वो रूल का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया वालों से बोलेगी, जो भी यहाँ पे कंपनी उससे बोलेगी ये अकाउंट्स को बैन कर दो, ठीक है, ये न्यूज़ को हटा दो, तो फिर ये तो सही बात थी ना, जो सरकार के खिलाफ जो सही उठाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो भी कहीं ना कहीं सप्रेस होता हुआ नजर आएगा, वो भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात ये बोली गई कि अगर हम लोग इस तरीके का काम कर रहे थे, इस तरीके का रूल लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वेब को हम लोगों के पास जो भी कंटेंट को ब्लॉक करने की आप कह सकते हो रूल है, वो हमारे पास पहले से ही है। यहाँ पे आप देख पाओगे IT एक्ट का जो सेक्शन 69A है वो हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी है, ठीक है, तो हमारे पास ज़रूरत ही नहीं इस थी इस लॉ को लाने की। ये तो सरकार ज़बरदस्ती इस लॉ को लेकर आई है ताकि जो है सरकार बच सके, अगर यहाँ पर कोई भी अगर आप कह सकते हो जैसे कि चीज़ें फैल रही हैं सोशल मीडिया पर, तो उसको कंट्रोल करा जा सके पूरी तरह से, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई चीज़ें उठ रही हैं सोशल मीडिया पर, तो उसको कंट्रोल करा जा सके। तो फिलहाल तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी इस लॉ को लाने की, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि जो सोशल मीडिया है, पहली बात हम लोग सोशल मीडिया को रेगुलेट करने वाले हैं, सोशल मीडिया को हमने दो कैटेगरी के अंदर डाल दिया है, एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिंपल और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया, यानी कि ऐसे ऐप्स या जैसे कि आप ट्विटर फेसबुक हो गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़र हों, ठीक है, जहाँ पर यूज़र सबसे ज़्यादा हों उसको भी हम लोग रेगुलेट करेंगे, मतलब सभी तरह के ऐप्स को हम लोग जितने भी सोशल मीडियाज ऐप हैं उनको कंट्रोल करेंगे और एक तरीके से रेगुलेट करने वाले हैं।
और ये सारी चीज़ें कौन करने वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में आएंगी। और दूसरी बात, जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम लोग स्ट्रीमिंग साइट्स बोलते हैं, जहाँ पर वीडियो को स्ट्रीम करा जाता है, उसमें भी एक रेगुलेटरी सिस्टम लेकर आया जाएगा। अभी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं यार, ठीक है, वही बिल्कुल सेम चीज़ें बार बार रिपीटेडली हैं और यही आर्टिकल आप लोगों को बार बार देखने को मिलेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों को न्यूज़ मालूम है क्या न्यूज़ है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करेगी, तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है बार बार कवर करने की। मैसेजेस क्लियर बोला जा रहा है इनके द्वारा, मैसेज ये क्लियर है सरकार अपने बचने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है। ये बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड होती हुई नज़र आती हैं आज के टाइम पे, अगर हम देखें तो फार्मर प्रोटेस्ट जैसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग देखने को मिलता है, लेकिन सरकार उससे बचती है। तो फिर यहाँ पर एक जो क्लियर यही है कि भाई ग्लोबल इंटरनेट और रेगुलेट करा जा सके पूरी तरह से और यहाँ पर बचा जा सके जो भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग ये वाला देख पाओगे, नेशनल साइंस डे के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये हमने बिल्कुल अभी कल वाला एडिटोरियल है उसको कवर किया है, सैटरडे वाला एडिटोरियल, वही चीज़ें बताई गई हैं। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है, और वही सारी चीज़ें रिपीटेडली बताई गई हैं, तो मैंने इसको एक तरीके से छोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। पेज नंबर 7 की तरफ आएंगे, पेज नंबर 7 पे ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नेपाल के आप कह सकते हो नेपाल के अंदरी मामले हैं, तो हम लोगों को नहीं पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हुआ क्या है मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, नेपाल की सरकार अभी डिसॉल्व हो गई थी, जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने डिसॉल्व कर दिया था पार्लियामेंट को, नाउ अब यहाँ पर सॉरी जो यहाँ पे हमारे वो कौन थे यार प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, KP शर्मा ओली, उन्होंने डिसॉल्व कर दिया था यहाँ पर, जो है सरकार अपनी चली भी गई थी, लेकिन उसके बाद जो है अभी तक कोई सरकार नहीं थी, लेकिन यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि सरकार को लाया जाए, कुछ ना तो कुछ यहाँ पे करी जाए, तो वही सारी चीज़ें नेपाल के अंदरूनी मामले चल रहे हैं, तो ये हमें नहीं पढ़ना। मंडे में ये आता है रीडर्स का एडिटर, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर बात करी गई है USA सऊदी अरेबिया के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा कि सऊदी अरेबिया में जो है सऊदी अरेबिया के एक जर्नलिस्ट हैं जिसका नाम है आप यहाँ पर हम लोगों ने अभी कल ही परसों एक आर्टिकल कवर किया था जमाल कशोगी के बारे में, तो जमाल कशोगी को मार दिया गया है उसके बारे में बताया गया। तो बेसिकली जो है सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर मारा है और सऊदी अरेबिया के ऊपर USA ने काफ़ी सारे सैंक्शंस भी लगा डाले हैं, अभी आप लोगों को मालूम है सऊदी अरेबिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं काफ़ी सारे, और वो सैंक्शंस लगाए किसने हैं, वो लगाए गए हैं US के प्रेसिडेंट जो बाइडन के द्वारा। ओके, वो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है जो जो बाइडन है ये सारे काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बैलेंसिंग एक्ट का भी खेल खेलने वाले हैं कि आने वाले टाइम पे ये चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे। जैसे आज के टाइम पे आप लोग देख पाओगे कि जो USA है, USA तो कोई आप इसका तो कोई किसी ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अरे जो सऊदी अरेबिया है ये एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि भाई फिर भी क्या होगा, जो USA है आने वाले टाइम पे अपने रिलेशंस को मेंटेन करेगा, अगर हम बात करें बिजनेस के क्षेत्र में, ठीक है, बिजनेस की वजह से यहाँ पे रिलेशंस कहीं ना कहीं मेंटेन कर लेगा। उसके बारे में बताया गया जो CIA की रिपोर्ट आई थी, CIA की रिपोर्ट यही तो बोल रही थी कि सऊदी अरेबिया ने सऊदी अरेबिया के जितने भी लोग हैं उनको द्वारा ही यहाँ पे मारा गया है, किसको, जमाल कशोगी को, ठीक है, तो ये सारी बातें बताई गई थी, तो उसी के ऊपर बताया गया कि आने वाले टाइम पे क्या होगा, जो USA और सऊदी अरेबिया है अपने रिलेशंस को मेंटेन करते हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है। खैर यहाँ पे आप लोग छोड़ भी सकते हो अगर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियाँ हो रही हो, तो वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है आर्टिकल में, कुछ वैसे इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए इतना है नहीं इस आर्टिकल में, ठीक है, फिर भी अब हमें मालूम होना चाहिए क्या चल रहा है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर इसके साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।